वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं 9 मई के शोर पसंदों और दहशत गर्दों में कोई फर्क नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा किया, जहाँ DG रेडियो पाकिस्तान ने उन्हें 9 मई के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर तकरीब में खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इसी इमारत से 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की सदाएँ बुलंद हुई और ममलिकत खुदादाद की आज़ादी का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 और 10 मई को दिलखराश वाक़ियात ने पाकिस्तानी कौम को रंजीदा किया। तारीखी और कौमी वर्से को जला देना कहाँ की हुब्बल वतनी है, चागी की यादगार को भी राख बना दिया गया। कौमें अपनी तारीखी वर्से और शनाख्त की हिफाजत करती हैं, लेकिन यहाँ जला दिया गया। यौम शहदा तकरीम कौम को शहदा को खराज अकीदत। GHQ में मरकजी तकरीब यौम शहदा तकरीम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई, जिसके मेहमान खसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। तकरीब में पाक फिजाइया पाक बहरिया के सरबरान हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान भी शरीक हुए, जिनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल नदीम रजा और दिगर रिटायर्ड अफसरान भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा एजाज चौधरी को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एजाज चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर सुनवाई की। अदालत ने PTI रहनुमा सेंटर एजाज चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का अलदम करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एजाज चौधरी को रिहा करने के अहकाम जारी किए। इमरान खान ने कारकुनों को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इमरान खान ने एडवोकेट हामिद खान की वसात से आनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हुए वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, आजम खान समेत दीगर को फरीक बनाया। इमरान खान ने मौकफ इख्तियार किया कि सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया है। प्रोपोगंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, हालांकि मैंने हमेशा इदारों का एहतराम किया और साथ खड़ा रहा। पुलवामा वाक़े पर 27 फरवरी 2019 को पाक फौज को सपोर्ट किया। एंटी करप्शन अदालत से परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज, गिरफ्तारी का खदशा। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के केस की समाअत की, जिसमें साबिक वज़ीर आला के वकील ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही को सीने में तकलीफ है, वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। वकील के मौकफ पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि परवेज इलाही ने गुज़श्ता पेशी पर मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था, जो जाली है। इस पर अदालत ने कहा कि रिपोर्ट दिखाएं, मैं अभी फैसला करता हूं। बाद अदालत में मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज कर दी।